speaking of the government itself, it seems that Ashwini Vaishnav has hit back at the Congress on the attack on the lateral entry scheme. He stated that Congress's hypocrisy is evident, as it was the UPA government that developed the concept of lateral entry. He's also stated that the NDA government has created a transparent method to implement this recommendation and recruitment through the UPSC will be done in a fair manner. Further, he has also, in fact, claimed that this reform will improve governance. Meanwhile, with us on the broadcast, we have Buddhdev Sharma, who's Congress spokesperson. We also have with us Dr. Avadesh Upadhyay, who's a BJP spokesperson. I'd like to go across to the Congress spokesperson first. We've heard it from Mallikarjun Kharge as well as Rahul Gandhi, and now we've heard Union Minister Ashwini Vaishnav hit back as well. What do you make of the lateral entry that has been allowed for people into serving as joint secretaries? जी पीएम मान जी 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 मेरी आवाज आ रही है जी ये देखिए पीएम मान जी, हमें सबसे पहले सामाजिक चीजों को समझना पड़ेगा. अगर आज इस देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति लोअर फैमिली या मिडिल क्लास से अगर बिलोंग करता है तो उसके पास सिर्फ आगे बढ़ने के दो ही रास्ते होते हैं. जो गैप अपर फैमिली और मिडिल लोअर फैमिली में बना हुआ है अगर उसको कवर किया जा सकता है तो वो या तो यूपीएससी के थ्रू कोई विद्यार्थी पास करके आईएएस बनता है या फिर एसएससी के थ्रू कोई अच्छी पोस्ट पे जाता है. लेकिन आज सरकार जिस तरह से लेटरल एंट्री सिस्टम लेकर के आई है, जहां प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो सरकारी नौकरियां युवाओं को नहीं दे रही है, लेटरल एंट्री सिस्टम से आप एक ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे पैसे वाले लोगों को, ऐसे उन इलाइट वर्ग के लोगों को आप सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बनाने वाले हो, जो कोई एक आईएएस, जो एक आईएएस सेलेक्ट होता है एक यूपीएससी के द्वारा किसी भी लोअर फैमिली से, हर तरह के सिस्टम को देखते हुए जब 10 से 15 साल में जाकर के वो सेक्रेटरी बनता है, जब पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने वाले जब देश के आईएएस हैं, तो जब योजनाएं बनती हैं तो वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हैं. किसान का बच्चा होगा वो किसानों के से संबंधित योजनाएं लेकर के आएगा, कोई और वर्ग से संबंधित होगा वो उस वर्ग के लिए काम करेगा. लेकिन जब आप एक इलाइट वर्ग के लोगों को आप सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और वो सरकारी योजनाएं बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका दिमाग कहाँ काम करेगा, वो अपने वर्ग के लिए काम करेंगे. तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इससे सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो लोअर फैमिली का, जो किसानों की समस्याएं हैं, वो किसान वर्ग का, किसान वर्ग से आया हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है, विद्यार्थी ही समझ सकता है. तो निश्चित तौर पर आज ये उद्योगपतियों की सरकार है जो केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है. अडानी और अंबानी की सरकार है जो उनके बच्चों को डायरेक्ट, जो क्या है, उद्योगपतियों के बच्चों को सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बना करके इस सामाजिक जो भेदभाव है उसको और बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ हम बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे. All right, I'd also like to rope in Dr. Avadesh Upadhyay. Sir, you've heard what the Congress spokesperson Buddhdev Sharma has had to say. How would you respond to him? जी 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 देखिए डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग. और आज जो है भाई बहन का एक अटूट पावन पर्व है रक्षाबंधन, उसकी सभी को बधाई, सभी बहन भाइयों को. और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस का तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि झूठी खबर फैलाकर देश की जनता को गुमराह करके राजनीति करना हो गया है. अभी ये बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, लेटरल एंट्री की. मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता जी से पूछिए, मनमोहन सिंह और रघुराम राजन को कौन लाया था भाई लेटरल एंट्री कराकर, किसने शुरुआत की थी? क्या कांग्रेस पार्टी जब 70 साल में उन्होंने राज किया, क्या उस समय की लेटरल एंट्री नहीं हुई? क्या मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री से नहीं आए? क्या रघुराम, क्या रघुराम, क्या, अरे सुनिए, अरे मेरे भाई प्रवक्ता जी सुनिए, मिस्टर शर्मा, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर एज वेल. लेट्स फर्स्ट लिसन इनटू द बीजेपी स्पोक्सपर्सन, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर. हाँ प्रवक्ता जी सुनिए, आप रघुराम राजन का आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कौन लेकर आया उनको लेटरल एंट्री, किसने कराई थी उनको. तो ये जो गुमराह करना जो है, बरगलाना देश को, ये छोड़ दीजिए. जो आपका काम है वो करिए आप. ये आप देश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली. ये कोई पहली बार नहीं हो रहा लेटरल एंट्री, ये तो कांग्रेस शासन में कितनी बार किया गया. ये भी हम और आप क्यों ना करते हैं? ये तो संवैधानिक तरीके से किया जाता है भाई. संविधान को कोई तार तार नहीं कर रहा है यहाँ पर, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है. ये तो आप ही ने सिखाया है सभी लोगों को, आप ही ने लेटरल एंट्री कराई आपने अपने शासन में. अभी बात कर रहे थे ये गरीबों की बात कर रहे थे. अरे अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की, दलितों की, तो मेरे भाई जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो आरक्षण आपकी सरकार ने खत्म किया था एससी एसटी का, वो वापस कराइए ना, हम आपके साथ हैं, हम तो आपकी तारीफ करेंगे भाई, राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे हम तो। अगर शर्मा जी अगर इतने हिम्मत वाले हैं तो एक बार बात तो रखें कि जो एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण समाप्त किया गया एएमयू में और जामिया यूनिवर्सिटी में, उसको बाहर लाइए ना, उसको बहाल कराइए, उसको दिलाइए उनका हक। Alright, Mr. Sharma, how would you respond to Dr. Upadhyay? बहुत अच्छी राह पर चल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। देखिए, आज पूरा देश इस बात को समझ चुका है, जिसका परिणाम इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा। मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इससे सामाजिक भेदभाव और बढ़ेगा। जो इलाइट वर्ग है, इससे पहले ये बोल रहे थे कि इससे पहले इनको लेके आए, उनको लेके आए, मुझे एक 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 ऐसा एक जंग पर बताइए जिसमें किसी भी सेक्रेटरी को डायरेक्ट बनाया गया हो, नहीं है इनके पास। मैंने बता दिया भाई, रघुराम डॉक्टर उपाध्याय, वन मिनट, अब लेट द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन स्पीक, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर एज वेल। बैंक में थे, सेक्रेटरी नहीं बने थे, वो सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, जिसके लिए सरकार लेकर के आई है। सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कोई भी आईएएस सेलेक्टेड लड़का 10 या 15 साल की जब उसकी सर्विस हो जाती थी, हर फील्ड में उसको एक्सपीरियंस हो जाता था, जब जाकर के उनको बनाया जाता था, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी जब बनते थे। अब अगर अगर इस तरह से अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे तो एक उद्योगपति के लड़के को, जिसने जिसने केवल और केवल उद्योग जो हमेशा ही एक ऐसे समाज में रहा है जहां उसको गरीबों से संबंधित, किसानों की, दलितों की, महिलाओं की कोई समस्याओं के बारे में पता नहीं, तो किस तरह से ये नीतियां लेकर के आएंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं इसका पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार आज तानाशाही रवैया अपना रही है, लूली लंगड़ी सरकार है, लेकिन इनको देश की जनता सबक सिखाएगी। हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, हमने जो क्या है सरकारी बैंकों का जो क्या है निजीकरण को खत्म किया, हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे पीवी पर्स को खत्म किया, हमने जो जो गरीबों के लिए जितनी योजनाएं थी वो सब कांग्रेस लेकर के आई, आज ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सबको पता है। तो निश्चित तौर पे इनका परिणाम भी अब आगे आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। हरी जी, धन्यवाद। ऑलराइट, लास्ट वर्ड टू डॉक्टर उपाध्याय। अरे तभी उद्योगपति की बात कर रहे थे मेरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, अभी मुझे एक बात बताओ, कौन से उद्योगपति का बच्चा आईएएस बनता है? एक का नाम तो बताएंगे अभी चैनल पे, उद्योगपतियों के बच्चे क्या आईएएस पीसीएस बनते हैं? वो तो भैया अपने बिजनेस में व्यापार करते हैं। मुकेश अंबानी जी की बात कर लीजिए, उनका बच्चा क्या आईएएस बनेगा? अरे भाई, उनके पास इतना पैसा है, वो तो पहले से उद्योगपति है, उन्हें आईएएस पीसीएस बनने की जरूरत क्या है? ये भैया पता नहीं कहाँ से कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, समझ नहीं आती। पत्रकार महोदया, इन्हें ये पता होना चाहिए कि जो लेटरल एंट्री हो रही है, जो निफ्टी हो रही है, वो संवैधानिक तरीके से हो रही है। संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने हजारों बार किया है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह इस बात का। मुझे इससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस का चरित्र तो पूरा देश जान चुका है, कैसे झूठ बोलती है, कैसे एससी एसटी ओबीसी का हक मारकर अपने लोगों को देने का काम करती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.